काला सुधर हो तो मुंडन के बारे में नंदन दौरे आते आदि शिवरायंची वादों के आते महाराष्ट्र या लोकानी गेले वर्ष भरा मध्ये महाराष्ट्राचा स्वाभिमान अभिमान नष्ट केला. वाघ नको म्हणजे काय? महाराष्ट्राचा स्वाभिमान महाराष्ट्राचा अभिमान हीच आमची वागणूक. या भाजपने शिवसेना तोडून फोडून ती वागणूक बोथट केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वाघनखाने अफजल खानाचा कोथळा काढला, म्हणजे दिल्लीचा कोथळा काढला. महाराष्ट्र मजबूतीने उभा होता त्यावेळेला, पण आज ती वाघनख बोथट करून सुधीर मुनगंटीवार छत्रपतींची वाघनख आणला गेले. आनंद आहे, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांची खरी वाघनख म्हणजे शिवसेना आहे, लक्षात. गेले 50-55 वर्ष या वाघनखांनी महाराष्ट्रावरती येणाऱ्या प्रत्येक आक्रमणाचा कोथळा काढले आणि तुम्ही ती वाघनख नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्या वाघनखांवरती वाद सुरू आहे, आम्हाला वाद घालायचा नाही. काल आदित्य ठाकरे यांनी त्याच्यावरती भाष्य केलेलं, पण निवडणुका जवळ आल्या की अशा प्रकारचे डोक्यात कल्पना येतात. छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांचा इतिहास हे सगळं मराठी माणसाला नव्हे तर जगाला प्रेरणादायी आहे. पण ही वाघनख आणून आपण काय करणार? परत दिल्लीची गुलामीच करणार आहात ना एक प्रकारे. ही वाघनख आणून तुम्ही या वाघनखाचा अपमान करता, कारण आपण महाराष्ट्राला दिल्लीचं गुलाम केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वाघनख यासाठी वापरली की त्यांना महाराष्ट्राला गुलामीतून मुक्त करायचं होतं, म्हणून त्याने वाघनख वापरून दिल्लीचा कोठा काढला. आणि हे गुलाम की ज्यांनी महाराष्ट्राला दिल्लीचं पायपुसणं केलेलं आहे, ते इथे या गुलाम महाराष्ट्रामध्ये वाघनख आणून शिवरायांचा अपमान करतात. एवढंच मी सांगू इच्छितो. रचित नहीं जा रही है, ऑलरेडी वहां इंटरनेशनल हस्तक्षेप शुरू हो, चाहे चाइना हो चाहे और विदेशी हाथ हो. ये नई बात नहीं है, एनआईए के जांच में आई है. एक साल पहले से ये सामना में हम लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में ये बात बोली है. तो ये अगर विदेशी हाथ उसमें है तो फिर विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृहमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी और उनका पूरा भाजपा और संघ परिवार क्या कर रहे हैं? इतना मजबूत देश, इतना मजबूत सेना और मणिपुर की हिंसा आप काबू में नहीं ला पाए, और आप बोल रहे हो विदेशी हाथ है. विदेशी हाथ अगर है तो आपका मजबूत हाथ कहाँ गया उनके सामना करने के लिए? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की आग आप थम नहीं पा रहे हो. मणिपुर के मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ, मणिपुर में विद्यार्थी महिलाएं असुरक्षित हैं, उनको मारा जा रहा है, और आप बोल रहे हो विदेशी हाथ, परदेशी हाथ. आप रिजाइन करो, अब तक आप मुख्यमंत्री का रिजाइन नहीं ले पा रहे. सर, जनता दल सेक्युलर के जो बेबी जोड़ा है, उन्होंने अभी लोकसभा में 2024 के लिए एनडीए के साथ अपनी अलायंस बनाई, तो आप किस तरह से? देखिए, देवेगौड़ा साहब हमेशा उनका पार्टी का नाम सेक्युलर है ना, जनता दल सेक्युलर है, तो एक बार अभी छोड़ देना चाहिए सेक्युलर नाम की. एक ऐसी शक्ति के साथ गए हैं जो देश में दंगे करवाना चाहते हैं, देश जलाना चाहते हैं, देश तोड़ना चाहते हैं जात और धर्म के नाम पर, और उनके साथ एक सेक्युलर नाम वाली पार्टी जाती है,
एक बहुत बड़ा जोक। देवगौड़ा साहब की उम्र हो गई क्या? चलिए थैंक यू। ना बोलो ना। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हथियार है जिसे हम बोलते हैं वाघ नख, वाघ में शेर, शेर के जो नाखून होते हैं उस प्रकार के हथियार होते थे। जब दिल्ली का आक्रमण हुआ महाराष्ट्र के ऊपर, उस वक्त अफजल खान सरदार आए थे, औरंगजेब ने भेजे थे, तब उस नाखून से, उस वाघनख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी हत्या की। महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए किया हुआ वो हमला था और महाराष्ट्र उस पर गर्व करता है। अब वो जो हथियार है वो लंदन में कहीं म्यूजियम में है, ऐसे लोग बोल रहे, अब वो ला रहे। लाकर क्या करोगे भाई? हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है। लेकिन जिस महाराष्ट्र को आपने दिल्ली का गुलाम बनाकर रखा है, जिस महाराष्ट्र का स्वाभिमान आपने बेच दिया, अब वो नाखून लाकर आप क्या करेंगे, क्या दिखाना चाहते हो आप? शिवाजी महाराज ने उस हथियार का इस्तेमाल किया था दिल्ली पर हमला करने के लिए और आप तो दिल्ली के गुलाम बन गए, महाराष्ट्र को दिल्ली का गुलाम बना लिया, छोड़ दीजिए। लोकशाही मराठी, ऐका पहा जागरूक रहा।